नमस्कार दोस्तों, हवाई जहाज़ की फर्स्ट क्लास, इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, यदि आपने हवाई जहाज़ में यात्रा की है, यदि नहीं तो आपके मन में ज़रूर ख्याल आया होगा कि हम भी हवाई जहाज़ में यात्रा करें। तो दोस्तों, यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात है और आप ये हवाई जहाज़ की फर्स्ट क्लास, इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास में अंतर अवश्य जानते होंगे, जो किसी भी नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट में सुविधा यात्रियों को प्रदान की जाती है। यानी यात्री अपनी बजट और अपनी सुविधा अनुसार यात्रा की क्लास चुन सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हवाई जहाज़ की इन तीनों क्लास के बारे में। तो दोस्तों, उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमी क्लास की। तो दोस्तों, क्योंकि हवाई यात्रा करने के लिए इस क्लास को सबसे ज़्यादा चुनने वालों में अधिकतर मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, क्योंकि हमारे देश में अधिकतर लोग मध्यम वर्ग से हैं, इसलिए वो इस इकोनॉमी क्लास को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। इसका मुख्य कारण है, इकोनॉमी क्लास का किराया बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास के किराए की अपेक्षा कम होता है। इसे थर्ड क्लास भी कहा जाता है। तो दोस्तों, कम किराया होने के कारण इसमें सुविधा भी फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास से कम होती है। इकोनॉमी क्लास में यात्रा में आवश्यक कुछ जरूरी चीज़ें होती, जैसे कि भोजन, यात्री की सुविधा अनुसार शाकाहारी या मांसाहारी, समय व्यतीत करने के लिए मैगजीन और साथ ही सीट के सामने की ओर एक टीवी स्क्रीन की सुविधा दी जाती है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं बिजनेस क्लास के बारे में। दोस्तों, इसे एग्जीक्यूटिव क्लास भी कहा जाता है। बिजनेस क्लास का किराया इकोनॉमी क्लास से अधिक होता है। बिजनेस क्लास में यात्रियों को यात्रा के दौरान काफ़ी अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाती है। इस क्लास में यात्रियों को स्पेशल बिजनेस क्लास लाउंज भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जहाँ खाद्य सामग्री के अलावा मैगजीन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट की सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। साथ ही परोसे गए भोजन की क्वालिटी भी बेहतरीन होती है। तो दोस्तों, बिजनेस क्लास की सीट इकोनॉमी क्लास की तुलना में अधिक बड़ी व आरामदायक होती है। ये मुख्य अंतर इकोनॉमी क्लास व बिजनेस क्लास के बीच होता है। इसके अलावा कुछ हवाई जहाज़ों में यात्रियों को लेटकर सोने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं फर्स्ट क्लास के बारे में। इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास से लगभग 3 से 4 गुना महंगा फर्स्ट क्लास का किराया होता है। साथ ही राष्ट्रीय फ्लाइट की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में इसके किराए में और भी अधिक अंतर होता है। तो दोस्तों, किसी भी प्लेन में सबसे आगे की ओर फर्स्ट क्लास का ही कैबिन होता है। महंगा होने के कारण इसमें सुविधाएं बहुत अच्छी प्रदान की जाती है, ताकि बिजनेस क्लास में यात्रा करने वाले लोग बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े उद्योगपति जिनके पास समय की काफ़ी कमी होती है, वह व्यक्ति फर्स्ट क्लास से सफ़र करना पसंद करते हैं, क्योंकि प्राइवेसी की सुविधा के साथ साथ इस क्लास में सोने के लिए अधिक जगह, पर्सनल वॉशरूम, वाईफाई की सुविधा प्रदान की जाती है। साथ ही मनपसंद भोजन के लिए मेनू सुविधा भी उपलब्ध होती है, जो कि अनुभवी शेफ द्वारा बनाया जाता है। इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास की अपेक्षा भोजन की क्वालिटी बेहतरीन होती है। तो दोस्तों, एयर इंडिया के फर्स्ट क्लास कैबिन में केवल 12 यात्री बैठ सकते हैं। ज़्यादातर एयरलाइंस ने अपने बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास को मर्ज कर दिया है, क्योंकि बिजनेस क्लास की तुलना में फर्स्ट क्लास अधिक जगह घेरती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो इसे व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।